एनीवे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग होंगे बहुत ही बढ़िया। और वीडियो काफ़ी लंबी समय के बाद आ रही है और आज का वीडियो भाई आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, उन सभी लोगों के लिए जिसका बजट है 12K के अंदर में और उन्हें इसी प्राइस पॉइंट में चाहिए एक बेटर और पावरफुल स्मार्टफोन, वो भी 12K के अंदर में। तो यार वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। मैंने यहाँ पर 5-6 ऐसे लेटेस्ट एंड पावरफुल स्मार्टफोन को ऐड किया हूँ जिसमें लेटेस्ट चिपसेट यूज़ किया गया है, बेटर कैमरा है, बेटर प्रोसेसर है, ऑलमोस्ट चीज़ आपको बेटर ही देखने के लिए मिलेगा। लेटेस्ट कैमरा, लेटेस्ट चिपसेट, बिग बैटरी, डिस्प्ले बेटर, रैम और स्टोरेज, सारा चीज़ आपको बेटर ही देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपका बजट है 12K के अंदर में और इसी प्राइस पॉइंट में चाहिए एक अच्छा स्मार्टफोन, तो यार वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। हे गाइस, माय नेम इज रोशन, वुडन वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स चेक आउट बेस्ट पावरफुल स्मार्टफोन अंडर 12K। ओके गाइस, तो हमारे लिस्ट में सबसे पहला जो स्मार्टफोन है वह है रियलमी नार्जो 20 और आज का डेट का जो प्राइस है वह है 10,499। और मैं बोल सकता हूँ भाई इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। और ये स्मार्टफोन आता है 6.52 इंच का HD+ डिस्प्ले के साथ और पीछे में रियर मोटर मेगापिक्सल सेंसर भी दे रखा है। उनके अलावा A1 ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप है, प्राइमरी शूटर है 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल और सेल्फी शूटर है 8 मेगापिक्सल। तो रियर कैमरा और सेल्फी कैमरा ओके है। और ये स्मार्टफोन आती है लंबी बैटरी बैकअप के साथ, 6000 mAh की लंबी बैटरी बैकअप दे रखी है। और ये स्मार्टफोन का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है एंड 18W चार्जिंग का सपोर्ट दे रखा है। मीडियाटेक हेलियो G85 का प्रोसेसर है जो कि गेमिंग प्रोसेसर माना जाता है इस प्राइस में। और 4GB का रैम है, 64GB का स्टोरेज है, अलग से 256GB SD कार्ड यूज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपको सारा चीज़ देखने के लिए मिल जाता है, बेटर स्मार्टफोन है इस प्राइस में। 10,500 में आपको मीडियाटेक हेलियो G85 का प्रोसेसर, लंबी बैटरी बैकअप, कैमरा लेटेस्ट, सारा चीज़ आपको बेटर ही देखने के लिए मिलता है। तो मेरे ख्याल से इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है रियलमी नार्जो 20। तो अगर आपको चाहिए एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन और लंबी बैटरी बैकअप, तो ये स्मार्टफोन को आप देख पाओगे यार बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। ईजिली ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप सारे चीज़ चेकआउट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है वह है रियलमी की तरफ से Realme 7i और ये स्मार्टफोन 12K के अंदर में आता है और इसमें आपको मिलता है 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले और रियर मोटर फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे रखा है। और ख़ास बात क्या है कि डिस्प्ले के अंदर 90Hz की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी दे रखा है और ये स्मार्टफोन का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। उनके अलावा A1 क्वाड रियर कैमरा का सेटअप दे रखा है, प्राइमरी शूटर है 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल और सेल्फी शूटर है 16 मेगापिक्सल। उनके अलावा 5000 mAh की लंबी बैटरी जिसमें 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दे रखा है और प्रोसेसर है क्वालकॉम का SD6762 का प्रोसेसर दे रखा है और 4GB का रैम है, 64GB का स्टोरेज है, अलग से 256GB SD कार्ड यूज कर सकते हैं। और ये स्मार्टफोन का जो प्राइस है 4+64GB 11,999। तो 12K की रेंज में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, थोड़ा सा डिसेंट प्रोसेसर यूज़ किया गया है। उनके लिए आपको लंबी बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाती है, कैमरा बहुत ही बेटर है, कैमरा इट्स रियली गुड, 64 मेगापिक्सल A1 क्वाड रियर कैमरा का सेटअप मिल जाता है वो भी 12K के अंदर में। तो ये स्मार्टफोन का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये स्मार्टफोन रियली में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है और ये स्मार्टफोन का मैं तो रिव्यू भी किया हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये तो आई बटन पे मिल जाएगा, चाहे तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और गैस, अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो यार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और नीचे देखो एक सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दो एंड पास में आपको बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करके और कर लो ताकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो कोई अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को मिस ना कर पाए। तो यार सब्सक्राइब जरूर करना। अब जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है वह है Poco M3 जो कि हाल ही फिलहाल में इंडिया में लॉन्च हुआ है, काफ़ी लेटेस्ट एंड बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। और ये स्मार्टफोन का जो प्राइस है वह है 11,000 पक्का। तो 11,000 की रेंज में आपको 6.53 इंच का फुल HD+ IPS पैनल डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है और ये स्मार्टफोन का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। उनके अलावा क्वालकॉम का SD6762 का प्रोसेसर दे रखा है, बाकी 4GB का रैम है, 64GB का स्टोरेज है। और ये स्मार्टफोन का जो कैमरा का डिजाइन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, काफ़ी ज़्यादा
ब्यूटीफुल है एंड 48 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप दे रखा है। प्राइमरी शूटर है 48 मेगापिक्सल जो कि प्राइमरी सेंसर है एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और सेल्फी शूटर है 8 मेगापिक्सल। पोको M3 में आपको 6000 mAh की लंबी बैटरी बैकअप भी देखने के लिए मिल जाती है जिसमें 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दे रखा है और ये भी स्मार्टफोन का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। रियर कैमरा सेल्फी कैमरा ओके है, लेटेस्ट कैमरा, सारा चीज़ आपको बैटरी ही देखने के लिए मिलता है और डिजाइन काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और ये स्मार्टफोन का जो लुक है मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। 11 के रेंज में आपको रियर कैमरा अच्छा मिल जाता है, बैटरी बैकअप लंबी मिल जाती है, प्रोसेसर भी अच्छा खासा यूज किया गया है, डिस्प्ले भी बेटर है, तो सारा चीज़ आपको बैटरी देखने के लिए मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से इस रेंज में ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन होगा और ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पे या तो अमेजन पे मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है वह है Redmi Note 9 और हाल ही फिलहाल में भी Redmi 9 Power भी आया है। दोनों स्मार्टफोन रियली में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, 12K के अंदर में आता है दोनों स्मार्टफोन और Redmi Note 9 का जो प्राइस है वो अभी थोड़ा सा घट गया है, 10,999 लगभग आपको 11K के रेंज में देखने के लिए मिलता है। अभी मैंने अमेजोन पे लेटेस्ट प्राइस चेकआउट किया और बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। 6.53 इंच का फुल HD प्लस IPS पैनल डिस्प्ले दे रखा है और पीछे में रियर मोटर फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे रखा है। कैमरा का डिजाइन भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, 48 मेगापिक्सल A1 क्वाड रियर कैमरा का सेटअप दे रखा है और सेल्फी शूटर रियर कैमरा दोनों ही बैटर है। उनके लिए आपको 4GB का रैम मिल जाता है, 64GB का स्टोरेज, अलग से 512GB SD कार्ड यूज कर सकते हैं और उनके अलावा बहुत ही अच्छा खासा प्रोसेसर भी यूज किया गया है, मीडियाटेक हेलियो G85 का प्रोसेसर दे रखा है। उनके अलावा 5020 mAh की लंबी बैटरी जिसमें 22.5W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दे रखा है, तो ऑलमोस्ट इसे आपको बैटरी ही देखने के लिए मिलता है। डिजाइन भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो ये स्मार्टफोन रियली में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, 12K के अंदर में आता है। रियर कैमरा और सेल्फी कैमरा इट्स रियली गुड, 13 MP फ्रंट कैमरा दे रखा है और 48 MP A1 क्वाड रियर कैमरा, रियर मोटर फिंगरप्रिंट सेंसर, लंबी बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाती है, डिस्प्ले भी बैटर है, ऑलमोस्ट चीज़ आपको बैटर ही देखने के लिए मिलता है। ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है और ये स्मार्टफोन आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। अब जो हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे आता वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है भाई, वह है पोको M2 Pro। अभी मैंने लेटेस्ट प्राइस चेकआउट किया तो 11,999 देखने के लिए मिला, शायद फ्लिपकार्ट पे अभी ऑफर चल रहा है और मुझे नहीं लगता भाई 12K की रेंज में इससे अच्छा आपको कोई स्मार्टफोन मिल सकता है। वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है 12K के अंदर में पोको M2 Pro। पोको M2 Pro में भाई सारा चीज का फीचर दे रखा है, लाइक 6.67 इंच फुल HD प्लस IPS पैनल डिस्प्ले, साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर, बहुत ही अच्छा है स्मार्टफोन है, फुल HD का डिस्प्ले मिल जाता है और डिस्प्ले काफ़ी लंबी है। उनके अलावा E1 क्वाड रियर कैमरा का सेटअप दे रखा है। प्राइमरी शूटर है 48 MP प्लस 8 MP प्लस 5 MP प्लस 2 MP और सेल्फी कैमरा है 16 MP। उनके अलावा आपको 5000 mAh की लंबी बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाती है और प्लस पॉइंट बताओ भाई तो यहाँ पर 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दे रखा है और ये स्मार्टफोन का बिगेस्ट प्लस पॉइंट है, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। प्रोसेसर दे रखा है कॉलकॉम का SD720G का और मैं कहूँगा भाई 12K की रेंज में ये प्रोसेसर बहुत ही लेटेस्ट एंड पावरफुल चिपसेट है। 4GB का रैम है, 64GB का स्टोरेज है, अलग से 512GB एडी कार्ड यूज कर सकते हैं। तो इस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है पोको M2 Pro और ये स्मार्टफोन का जो डिजाइन है, लुक है भाई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। मेरे को ये स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा पसंद है इस रेंज में। रियर कैमरा, सेल्फी कैमरा इट्स रियली गुड, लंबी बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाती है, प्रोसेसर भी अच्छा खासा यूज किया गया है, तो यहाँ भी आप किसी भी गेम को बहुत ही हाई और स्मार्ट में खेल पाओगे, किसी भी तरह के लैग और फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिलेगा और कैमरा भी बहुत ही बेटर दे रखा है, तो अपने मोबाइल से काफ़ी अच्छा फोटो भी क्लिक कर पाओगे। तो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है पोको M2 Pro। अभी लेटेस्ट प्राइस चल रहा है 11,999, तो शायद ऑफर चल रहा है फ्लिपकार्ट पे, तो जाके वहाँ पर आप परचेस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और नीचे हमें कॉमेंट करके बताना भाई आपको इनमें से सबसे बेस्ट डिवाइस कौन सा अच्छा लगा, और जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, 200 के साथ जरूर शेयर करना और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड पास में बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।